भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन और किसान रैली को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह तथा केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह 23 फरवरी को गोरखपुर आ रहे हैं। इन नेताओं के आगमन के मद्देनजर लगाए गए ड्यूटी में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को ड्यूटी के दौरान बरतने वाली सावधानियों और सतर्कता के संबंध में जानकारी दी गई। फर्टिलाइजर स्थित कार्यक्रम स्थल पर आयोजित ब्रीफिंग में एडीजी दावा शेरपा, आईजी जयनारायण सिंह, एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता तथा सिटी मजिस्ट्रेट अजीत कुमार सिंह ने उपस्थित पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को बताया कि रैली में भारी संख्या में भीड़ आने की उम्मीद है, इसलिए ड्यूटी को पूरी मुस्तैदी से कर रहे हैं, कहीं भी किसी प्रकार की लापरवाही ना बरतें। आपकी मुस्तैदी और सतर्कता रैली को सफल बनाने में सहायक होगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अजीत कुमार सिंह, आईजी जयनारायण सिंह और एडीजी दावा शेरपा ने कहा, अधिकारी के ड्यूटी की समाप्ति की घोषणा के बावजूद भी आप ना हटे। विशेष तौर पर यह कहना चाहूंगा कि रैली के बाद में हम लोग ये देखते हैं कि जो ड्यूटियां है, पुलिस की ड्यूटियां भी तुरंत वहीं से वापस होने लगती हैं, जबकि हमें रैली को कुशलतापूर्वक वापस भी खाली कराना है रैली प्लेस को। और अगर हम उस एक घंटे नहीं रुकेंगे तो 4 घंटे 6 घंटे खुद भी जाम में फंसेंगे और पूरे शहर को हम तबाह कर देते हैं। तो यहाँ मैं सबसे पहले इम्पोर्टेंट यही नोट कराना चाहूंगा, जिनकी ड्यूटी ट्रैफिक में नाकों पर फ्रिस्किंग पॉइंट पे लगी है, वो काइंडली अगर रैली 1 बजे 2 बजे खत्म हो रही है तब तक ना हटे जब तक आप समझते हैं कि भीड़ छट नहीं गई है और लाउड स्पीकर से गाड़ी आपके पास से गुजरेगी, आपको बताया जाएगा, आप ड्यूटी तब छोड़ें। अपना पहचान पत्र, अपनी वर्दी एकदम दुरुस्त रखें, इससे बड़ा प्रोग्राम नहीं होता है। गोरखपुर में साल में शायद 1 बार ही या 2 साल में 1 बार इस तरह का प्रोग्राम होता है और ये बहुत गर्व की बात है कि आपकी ड्यूटी ऐसे प्रोग्राम में लग रही है जहां पर पूरा हिंदुस्तान का मुकुट आने वाला है, हर रत्न आने वाला है। यहाँ पर कई बार होता है कि केवल प्रधानमंत्री महोदय आ रहे होते हैं या मुख्यमंत्री महोदय आ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी लगभग सभी डिग्निटरीज यहाँ पर देश की होंगी। सेंसिटिविटी पुलवामा अटैक के बाद बहुत ज्यादा है संवेदनशीलता, इसलिए अपने मन में ये बैठाएं कि आप एक एक सिपाही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपका बाई नेम ड्यूटी उस पॉइंट्स पे लगी है, आप उसको अच्छे से निभाएं, आपके पॉइंट से कोई कमजोरी कोई हिला हरवाली ना होने पाए। आपकी वर्दी आपका परिचय होना चाहिए और मैंने देखा लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी या इस तरह की जो बंदोबस्त ड्यूटी है आप लोग खाली हाथ आते हैं। मुझे कोई भी सिपाही बिना डंडे के नहीं मिलेगा जो लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी पे है, वो प्रतीक है एक छोटी सी डंडी। तो काइंडली आप सभी लोग, सभी पुलिस वाले अपने साथ पानी की बोतल, 2 पैकेट बिस्किट जरूर लाएं, अपने जेब में रखें, जिसमें चेकिंग होने में ही 1-2 घंटा लग जाता है और पब्लिक 9 बजे से आना 8 बजे से आना शुरू कर देगी। देश गए और उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश की व्यवस्था ऐसी रही, भी दे देंगे जिसमें रूट्स हैं बाहर से आने वाली फोर्स के लिए। अगर आपको कोई रूट पूछता है तो आप उस पंपलेट से पढ़ के बता सकते हैं। जो लोग चेकिंग कर रहे हैं बैरियर पर, स्क्रीनिंग कर रहे हैं, डीएफएमडी पर चेकिंग कर रहे हैं, वॉच टावर्स की ड्यूटी है, जनसभा में डी एरिया की ड्यूटी है, गैंगवेज रेडियल ड्यूटी, सभी ड्यूटियां नामवार पदनाम से लगी हैं। कोई भी ऐसी ड्यूटी नहीं है जहां बाई नेम ना हो, आप सभी की जिम्मेदारी तय की गई है। माननीय जितने भी वीवीआईपीस हैं वो कल और परसों दोनों दिन रहेंगे, क्लाइमेट अलग से निकला है, वो तो कल और परसों दोनों दिन के लिए रहेगा। यहाँ आने के लिए 2 पार्किंग व्यवस्था है, आप थोड़े एक रास्ते से आप आए हैं नकाह वाले रास्ते से जहां पर बहुत सारे आपने ट्रक खड़े देखे होंगे रेलवे क्रॉसिंग की तरफ से, दूसरा रास्ता इधर मेडिकल कॉलेज की तरफ से है जहां तकरीबन 6,000 गाड़ियों के पार्क होने की व्यवस्था है, 6,000 बस वहां पर पार्क हो सकती हैं, कम से कम 100 सिपाही वहां पर भी लगेंगे, 100 सिपाही इधर भी लगेंगे। तो आप अपने पॉइंट्स को केवल रोड्स को ना समझें, लास्ट में जो गाड़ियां पहले आ रही हैं उनको अंतिम तक के धकेल करके अंदर रखना है जिससे कि बाद में आने वाली गाड़ियों को जगह मिल सके। पार्किंग में लगने वाले सिपाहियों को खास तौर से ये ध्यान रखना है। बैठ करके डी वाली ड्यूटी कर रहे हैं तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि
जो ठीक ठाक सदराम लोग दिख रहे हैं वही डायस के समीप वाली कुर्सियों पर बैठे हुल्लड़बाज हुरदंगी, आप उनको अभी आइडेंटिफाई जब आप डी में हैं तो उनको आप थोड़ा दूर के कॉलम में डाइवर्ट कर सकते हैं। कम से कम एक बोतल पानी और दो पैकेट पार्ले जी के 5 रुपए के बिस्किट होते हैं इतना जरूर रखें। स्थान पे जो आपके कस्टेड अफसर हैं, आप जैसे एक डीएसपी साहब के साथ एक इंस्पेक्टर हैं, 4 सब इंस्पेक्टर हैं और 50 सिपाही हैं, तो उनको 50 भोजन का पैकेट डिलीवर कर दिया जाएगा, गर्दगी नहीं करेंगे। एंट्रीज यहाँ पर जितनी भी आई हैं आप ही ना होने देना, अवांछित तत्वों को बैरिकेडिंग के अंदर ना डालने देना। चौराहों पर हाई राइज पर आपको, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि आपने अपने आप को चौकसोबंद रखना है, जहाँ पर हमारा डिप्लॉयमेंट है एयरपोर्ट पर है, सिक्योर्ड एरिया है, वहां पर भी राजपत्रित अधिकारी लगाए गए हैं, वहां विशेष रूप से इस चीज को ध्यान देना है कि जो ड्यूटियां हैं एयरपोर्ट प्रांगण में है तो आपका उच्च कोटि का टर्नआउट रहे, 2 घंटे से लेके 4 घंटे तक आपकी ड्यूटी है। जो भी आगामी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और जो भी यहाँ कार्यक्रम होने वाले हैं गोरखपुर में, तो उसी के क्रम में जो है किसान समाधान योजना क्रम में जो कार्यक्रम होने, उसी में आज ब्रीफिंग हुई है। पुलिस के लोग थे सारे, एडीजी साहब थे, आईजी साहब, एसएसपी साहब, अन्य जनपदों की फोर्स, हमारे जो मजिस्ट्रेट ड्यूटी लगे सारे मजिस्ट्रेट थे। आज ब्रीफिंग की गई कि सुरक्षा व्यवस्था को कैसे जो है चाक चौबंद रखा जाए, इस कार्यक्रम को सफल कैसे बनाया जाए। पार्किंग की नहीं, कोई बात नहीं, पार्किंग सब जो जहाँ पे है वहाँ सब चीज़ें हम लोगों ने व्यवस्थित कर ली है पहले से ही, जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में और जो भी हमारे सीनियर अधिकारी हैं उनके निर्देश क्रम में जो भी व्यवस्थाएं हैं सब व्यवस्थाएं देख ली गई हैं और सब पे जो है कार्य चल रहा है। देखिए, इस संदर्भ में पुलिस का व्यापक व्यवस्था की गई है, विशेष रूप से जो कहते हैं राजपत्रित अधिकारी, जिसमें 10 SP हैं, 15 एडिशनल SP हैं, 50 के करीब DPSP हैं और इसके साथ साथ लगभग 600 के करीब सस्पेक्टर हेड कांस्टेबल ड्यूटी में लगाए गए हैं। इसके अलावा 3000 के करीब आरक्षी भी इसमें पूरे समस्त दोनों जो सम्मेलन है और तदुपरांत जो किसान रैली है उसमें इनको लगाया गया है। इसके साथ साथ सादे कपड़े में भी जो है ड्यूटियां लगाई गई हैं और पैरामिलिट्री फोर्स भी हमें प्राप्त हुआ है, 7 कंपनी जिसमें BSF, CRPF और RAF की भी कंपनियां यहां पर आ चुकी हैं। इसके अलावा 10 कंपनी PSC भी लगाया गया है। लोगों से अनुरोध है, विशेष रूप से ट्रैफिक के संदर्भ में एडवाइजरी भी जारी कर दिया गया है, उस संदर्भ में विशेष रूप से जो है उस एडवाइजरी का लोग पालन करें, जिससे कि जो है जो रैली में लोग जो भाग ले रहे हैं इसके अलावा आम लोगों को भी किसी भी रूप में कोई दिक्कत ना हो। हम उसको लेकर के विशेष रूप से जाते जो हमारा जो मंच है, इसके अलावा जाते जो रैली स्थल है उसकी जो है हम लोग फिस्किंग और चेकिंग की जा रही है और इसके अलावा पर्याप्त संख्या में जो है हमारा जो है मेटल डिटेक्टर भी जो है लगाया गया है और जगह जगह पर जाते हैं चेकिंग प्रारंभ कर दी गई है। इसके अलावा अन्य जो सार्वजनिक स्थान हैं, होटल हैं, ढाबे हैं, इनकी भी जो है चेकिंग जो है लगातार की जा रही है। देखिए, पुलिस को स्पष्ट रूप से कहा गया है जाते हैं कि जिसका जो स्थान निर्धारित किया गया वहां पर बैठे। इसके अलावा जो पार्टी के लोग भी हैं उनके पदाधिकारी हैं, उनसे समन्वय रख करके ये सुनिश्चित करें जो है कि जिसकी जहां व्यवस्था की गई है वहीं पर बैठे, वहीं पर अपनी जो है व्यवस्था सुनिश्चित करें। सुरक्षा संबंधी और व्यवस्था संबंधी निर्देश के देने के लिए आज यहाँ पर सभी अधिकारी जो उनकी ड्यूटी यहाँ लगनी है तो उनको बताया गया, जो आवश्यक निर्देश थे उनको बता दिया गया है।